तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोई भी मैग्नेट का या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का उसको पता करने का दो तरीका हो सकता है, ठीक। एक होता है मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करके और दूसरा होता है आयरन फाइलिंग्स का यूज़ करके। आयरन फाइलिंग्स वाला कल भी बताए थे कि कोई भी मैग्नेट जो है उसको हम एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर के ऊपर रख के अगर उसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं रैंडमली तो एक पैटर्न बनता है और वही पैटर्न जो है वो हमें बताता है मैग्नेटिक फील्ड को। तो आयरन फाइलिंग्स का यूज़ करके जो है हम जो पैटर्न बनाते हैं उससे पूरा का पूरा ओवरऑल जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है उसका हमको आइडिया लग जाता है। और मैग्नेटिक कंपास का हम यूज़ करेंगे तो उससे सिर्फ एक सिंगल मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही हम ड्रॉ कर सकते हैं। मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो हमेशा किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, जैसे अगर मान लो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट इस तरह से है और इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से होता है नॉर्थ से साउथ, और ये एक क्लोज्ड लूप होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म हो गया, बल्कि ये अंदर भी जाता है, ठीक। अंदर में इसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की ओर होता है जबकि बाहर में जो है इसका डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, ठीक। तो अगर कोई मैग्नेटिक कंपास हम रखते हैं तो जैसे मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ वाला हिस्सा होगा वो अवे फ्रॉम द नॉर्थ पॉइंट करेगा, इसका जो नॉर्थ पोल है उसके अवे ये पॉइंट करेगा क्योंकि सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करता है, ठीक। तो नॉर्थ पोल जो होगा मैग्नेटिक कंपास का नीडल का वो इधर साइड पॉइंट करेगा, मतलब उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब हम किसी भी मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको एक सिंगल मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक, यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपास। तो हम क्या करेंगे, या तो नॉर्थ या तो साउथ पोल में से किसी भी एक पोल के पास जो है हम मैग्नेटिक कंपास को रखेंगे। अब देखो आयरन फाइलिंग्स जो होता है उसमें ये लिमिटेशन है कि उसमें हम स्प्रिंकल करते हैं तो वो सिर्फ पैटर्न बताता है, वो डायरेक्शन नहीं बताता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड का इसके थ्रू जो है डायरेक्शन भी पता कर हम कर सकते हैं। अब जैसे मान लो जो मैग्नेट है उसमें नॉर्थ और साउथ ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें मेंशन किया हुआ है कि नॉर्थ इधर है साउथ इधर है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो हमें पता है कि नॉर्थ से साउथ की ओर ही होगा। लेकिन अगर मैग्नेट में मान लो नहीं दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ नहीं है कि नॉर्थ किधर है साउथ किधर है, तो हम मैग्नेटिक कंपास का यूज करके इजिली बता सकते हैं, ठीक। तो अगर मान लो यहाँ पे हमको पता नहीं है नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ नहीं है इसमें, अब हम किसी मैग्नेटिक कंपास को यहाँ पे अगर लेके आते हैं और ये अवे फ्रॉम द मैग्नेट अगर पॉइंट करता है इस तरह से, तो इसका मतलब ये नॉर्थ हो गया, ठीक। अब ऑब्वियसली ये नॉर्थ है तो इधर वाला साउथ हो जाएगा, लेकिन अगर इधर की जगह हम इधर यहाँ पे रखते अगर मैग्नेटिक कंपास को तो ये कैसे पॉइंट करता है, इस तरह से पॉइंट करता है, इससे हमें पता चल जाता कि ये साउथ पोल है। तो चाहे हम इधर रखें पहली बार चाहे इधर रखें, मैग्नेटिक कंपास का यूज करके डायरेक्शन पता चल जाएगा, ठीक। अब हम है? हाँ मैग्नेट का रहता है तभी ना रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है, एक छोटा सा मैग्नेट ही है वो समझ लो, जिधर पॉइंटर है उधर नॉर्थ पोल है उधर अपोजिट साइड साउथ पोल है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको रैंडमली किसी और जगह पे रखेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम रखे, रखने के बाद हम यहाँ से इसको क्या करेंगे हटा देंगे, ठीक, और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल पॉइंट कर रहा था उस डायरेक्शन को हम नोट कर लेंगे इस तरह से ऐसे, ठीक। अब इसके बाद इसके आगे हम यहाँ पे कहीं पे भी मान लो रख दिए, यहाँ पे रखे इस तरह से, तो मैग्नेटिक कंपास का जो डायरेक्शन है वो इधर पॉइंट करेगा, फिर यहाँ पे हटा के फिर से हम इसको नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे रखेंगे। तो इस तरह से बारी बारी करते करते हमें इस तरह से पैटर्न देखने को मिलेगा मैग्नेटिक कंपास के अंदर। ये सारा जितना अलग अलग पोजीशन पर हम रखे हैं मैग्नेटिक कंपास को, सब पे हम उसको रख रख के बारी बारी से सबका डायरेक्शन जो है नोट करते जाएंगे और एक हमको पूरा एक लूप जैसा इस तरह का कर्व्ड लाइन मिल जाएगा, ठीक। तो वो कर्व्ड लाइन क्या होगा, एक सिंगल मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, वो पूरा का पूरा मतलब सारा जितना भी मैग्नेटिक फील्ड का हर एक इंडिविजुअल अलग अलग लाइन है सबको ये नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है बल्कि एक सिंगल मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो इस तरह से करके हम किसी भी बार मैग्नेट का या कोई भी मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है उसको हम इस तरह से पता कर सकते हैं, एक तो आयरन फाइलिंग्स का यूज करके और दूसरा मैग्नेटिक कंपास का यूज करके, ठीक। दोनों का अपना अपना एडवांटेज है और अपना अपना लिमिटेशन है। जैसे आयरन फाइलिंग्स जो है उसका लिमिटेशन ये है कि उसमें डायरेक्शन हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन पूरा का पूरा ओवरऑल जो मैग्नेटिक
फील्ड का पूरा पैटर्न है वो पता चल जाएगा। और जबकि इसका यानी मैग्नेटिक कंपास का जो एडवांटेज है वो ये है कि इसमें डायरेक्शन भी पता चल जाता है, लेकिन एक सिंगल मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही एक बार में हमें ऑप्टेन होगा। उसके लिए मतलब जितना भी अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है सबको इंडिविजुअली अलग अलग हमको अलग अलग पोजिशन पर रख के उसको पता करना पड़ेगा। ठीक, तो ये ज़्यादा मतलब लेंदी प्रोसेस है, लेकिन डायरेक्शन पता चल जाता है इससे।